स्वागत है। वेलकम एवरीवन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस प्रोग्राम का नाम है आओ जाने। हम सब यहाँ आए हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, पर वो कुछ है क्या? आओ जाने, कंपनी को, अपने आप को, विक्रय क्रिया को। आप सब यहाँ आए हैं एक खास मकसद से, एक अच्छा सेल्स पर्सन बनने के लिए, और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको सिखाएगा एक बढ़िया सेल्स पर्सन बनने के सारे गुण, क्वालिटीज ऑफ अ गुड सेल्स पर्सन। एक अच्छे सेल्स पर्सन को इन तीनों चीजों का न सिर्फ सही ज्ञान होना चाहिए, बल्कि इस ज्ञान का सही समय पर सही इस्तेमाल भी आना चाहिए। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको इन तीनों पहलुओं से अच्छी तरह परिचित कराएगा, और इसके पूरे होने तक आप अपने आप को एक अच्छे मंझे हुए सशक्त सेल्स पर्सन के तौर पर पाएंगे। इस ट्रेनिंग के दौरान हम सेल्स के हर पहलू पे ध्यान देंगे और उसे दो नजरिए से देखेंगे, एक सफल सेल्स पर्सन के और एक असफल सेल्स पर्सन के। इससे ना सिर्फ आप ये जान पाएंगे कि आपको क्या क्या करना है, बल्कि ये भी पता लगा पाएंगे कि क्या क्या नहीं करना है। A complete set of do's and don'ts। हालांकि दोनों ही बातें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन दोनों पहलुओं को जानने से शिक्षा और जानकारी पुख्ता होती है, ताकि आप इन्हें हमेशा याद रख सकें। और कमाल की बात तो ये है कि ये सेल्स के सारे गुर ना सिर्फ आपको इसमें काम आएंगे, बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी काफी फायदेमंद साबित होंगे। इस ट्रेनिंग के दौरान बीच बीच में ये वीडियो रोककर लाइव 1-to-1 सेशंस किए जाएंगे, जो ना सिर्फ आपकी ट्रेनिंग सेशन की जानकारी को परखेंगे, बल्कि आपके सवालों के जवाब भी देंगे। तो आप सबसे यही उम्मीद की जाती है कि आप इन वीडियोस को ध्यान से देखें और अपनी तरफ से पूरी तरह योगदान दें। इससे ना सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ेगी, बल्कि आप अपने साथियों को भी समझाने में मदद करेंगे। सो यू मस्ट बी अटेंटिव एज वेल एज प्रोएक्टिव ड्यूरिंग दीज ट्रेनिंग सेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्रोग्राम। तो आइए जानकारी की इस पहली सीढ़ी पर पांव रखते हैं, और वो है कंपनी के बारे में जानना। आखिर वो कंपनी है क्या जिसके लिए न सिर्फ हम सब काम करने वाले हैं, बल्कि उसके भविष्य को बनाने में योगदान भी देने वाले हैं। इस फिल्म को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके बाद आप सब से कुछ सवाल किए जाएंगे। I'm back. I'm sure कि आपने इस क्विज के सारे जवाब सही सही दिए होंगे। Okay, मुझे मालूम है कि कुछ जवाब गलत हो गए थे, but don't worry, सबके साथ होता है, क्योंकि आगे जाकर आपको बहुत प्रोग्रेस करनी है। Just be attentive, ध्यान से सुने, देखें, और समझ ना आने पर अपने ट्रेनिंग प्रोग्रामर से बेधड़क होकर सवाल करें। ध्यान रहे, ये ट्रेनिंग सेशन है, कोई टेस्ट नहीं है। और वैसे भी आप लोग तो हजारों उम्मीदवारों में से चुनकर आए हैं, सो यू ऑलरेडी स्पेशल एंड टैलेंटेड। जरूरत है तो अपने आप में थोड़े निखार की, और निखार से पहले जरा निहारिए अपने आप। अरे अरे, मेरा मतलब ये नहीं था, ये बात के लिए रखते हैं। निहारने से मेरा मतलब था खुद के बारे में जानना। अब हम अपने बारे में जानेंगे और एक दूसरे को भी बताएंगे। इस एक्सरसाइज से कंपनी को न सिर्फ आपके बारे में जानकारी मिलती है, बल्कि आप एक दूसरे के वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को भी पकड़ते हैं,
जिससे आपकी पूरी पर्सनालिटी को निखारने में मदद मिलती है। अब तक आप कंपनी के बारे में और कंपनी आपके बारे में जान चुकी है, अब वक्त है एक बहुत जरूरी बात जानने का। द प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स है क्या जो हम बेचने वाले हैं? आइए विस्तार में जानें। Young India, vibrant India, fashionable India, contemporary India, with life moving in the fast lane. Impressionistic, casual, cool, trendy apparel that's bold and beautiful is the order of the day. Kewal Kiran Clothing Limited has endeavored to create a new identity for style, comfort and looks through our four brands. Over a decade ago, we began to focus on developing a series of ready-mades to target a varied spectrum of end users: premium, semi-premium, casual, and office wear. Today, as one of the manufacturers and marketers of branded apparel in the men's segment, we have achieved our success because of our design skills, cost of production, and a refreshingly bold range of jeans, denim shirts, cotton trousers, cotton shirts, non-cotton trousers, jackets, knitted t-shirts, and bags, belts, caps, etc. Our approach was to create niche markets through our distinct brands: Killer, Lawman, Easy's, Integrity. Originates from our four plants. Here, state-of-the-art machines produce high-quality apparels from the best technologies in the world. We believe in harnessing the best machinery so that we can incorporate trendy designs and innovations to create new looks, breaking free from convention. With the help of the latest developments in technology, we roll out a myriad combinations and finishes. At the heart of our creations is our in-house team, continuously predicting new trends and fashion. From 500 designs, only a few get picked up as the season's collection. We are there where you are. You will find our brands in all the metros, mini metros and large cities. The future will see our entire line of new products in women's wear and kids' wear. After establishing our foothold in India, we have moved further by exporting our brands to the UAE for consumption in the Middle East and neighboring countries. Foresight, commitment and quality have been hallmarked by us at Kewal Kiran Clothing Limited. We make growth fashionable. Welcome back. इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के पहले तीन पहलुओं को आप अच्छी तरह जान चुके हैं। कंपनी आपके बारे में जान चुकी है, आप कंपनी के बारे में जान चुके हैं और आपके प्रोडक्ट्स की जानकारी भी आपको मिल चुकी है। चलिए इस जानकारी को आगे बढ़ाते हुए अब उस मुद्दे पर आते हैं जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। सेल्स, आखिर सेल्स है क्या? अगर एक शब्द ने कहे तो बेचना, पर क्या सिर्फ इतना ही? आइए विस्तार में जानते हैं। What is sales? Sales का मतलब क्या है? The activity of selling any product or services is called sales.
किसी भी वस्तु के बेचने की प्रक्रिया को सेल्स या विक्रय कहते हैं। ये तो एक आम बात हो गई जो आप सभी को पता है, पर एक कामयाब सेल्स को अंजाम देने के लिए कई बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। एक इफेक्टिव अच्छे सेल्स पर्सन होने के नाते आपको कई बातें याद रखनी चाहिए। सम सिंपल स्टेप्स रेलेवेंट टू अस। पहला स्टेप, द अप्रोच एंड द ग्रीटिंग। पुरानी कहावत है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बिल्कुल सही है। एक सेल्स पर्सन के पहले इंप्रेशन पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। हालांकि ये बात बार बार सुनने में आती है, फिर भी अपने पहले इंप्रेशन को इंप्रेसिव कैसे बनाए, इसके लिए कई बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पर्सनल अपीयरेंस, ये किसी भी फील्ड में सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आपको हरदम साफ सुथरा रहना चाहिए, अच्छे साफ कपड़े पहने हुए। फॉर वुमेन, लाइट मेकअप के साथ। फॉर मेन, क्लीन शेवन। पर्सनल अपीयरेंस का मतलब आप खुद इस सवाल का जवाब देकर जान सकते हैं। क्या आप ऐसे आदमी के साथ बात भी करना पसंद करेंगे? नहीं ना, जब इनसे आप बात तक करना पसंद नहीं करेंगे तो कोई इनसे कुछ खरीदेगा कैसे? इन जनाब को देखकर तो कस्टमर भाग ही जाएंगे। फ्रेंडली एंड चीयरफुल एटीट्यूड। वो कहते हैं ना, स्माइल्स कैन टेक यू माइल्स। आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट आपके बहुत फायदे करवा सकती है। अगर आप गौर करें तो जानेंगे कि हसमुख लोग ज्यादा कामयाब होते हैं। भाई, जब लाइफ में ये फॉर्मूला हिट है तो सेल्स में नहीं होगा क्या? अप्रोचिंग कस्टमर्स, सही एटीट्यूड और पर्सनल अपीयरेंस। अभी तक आप इनकी जरूरत तो समझ ही चुके होंगे। अब समझने की जरूरत है कि जब कोई कस्टमर शोरूम के अंदर आए तो उनसे पेश कैसे आया जाए। ये बहुत ही अहम मुद्दा है जानने के लिए, जो आपको किसी बुक या कोर्स में सीखने को नहीं मिलेगा। अपने कस्टमर को अप्रोच करते वक्त कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। अरे, डोंट बी सो टेंस्ड, ये बहुत आसान है। जैसे कि आप अपने घर में किसी मेहमान के आने के समय पेश आते हैं, कुछ उसी तरह। यू मस्ट नो योर बेसिक कर्टेसीज। क्या? अब ऐसे रवैये से तो कोई मेहमान भी भाग जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि कोई कस्टमर आना पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं। आइए जानते हैं कुछ सिंपल बातें जिन्हें ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। प्रॉपर ग्रीटिंग। नमस्ते जी, वेलकम टू आवर स्टोर। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे कुछ जींस दिखाने। जींस ही? आइए सर, दिस वे। साइजिंग अप द कस्टमर। अपने कस्टमर को परखना। अभी जो आपने देखा वो सिर्फ एक केस है। जरूरी नहीं कि हर कस्टमर आपके वेलकम पर ऐसे ही रिएक्ट करे। देर आर टाइम्स वेन कस्टमर जस्ट वॉन्ट्स टू बी लेफ्ट अलोन। ऐसे में क्या करें? गिव स्पेस टू द कस्टमर। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। वेलकम टू आवर स्टोर। मे आई हेल्प यू मैम? नो थैंक्स, आई एम जस्ट लुकिंग अराउंड। ओके मैम। बहुत से कस्टमर चाहते हैं कि शॉपिंग करते वक्त उन्हें कोई परेशान ना करे। हेल्प भी उनको दखल अंदाजी लगती है। मैम, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। नो थैंक्स, आई विल मैनेज। आप समझते नहीं मैंने क्या बोला आपको। जस्ट लीव मी अलोन। कोई और होता तो थप्पड़ गिफ्ट में दे देता। ऐसे केस में हमें चाहिए कि हम कस्टमर्स की फीलिंग्स की कद्र करें। डू यू नीड एनी हेल्प मैम? नो थैंक्स। ओके मैम, एंजॉय योर शॉपिंग। अब हम इंट्रोडक्शन के एक और पहलू को देखते हैं जो अक्सर सेल्स पर्सन के साथ हो जाता है। कई बार ये होता है कि हम एक कस्टमर को अटेंड कर रहे होते हैं कि तभी नया कस्टमर आ जाता है। ऐसे में क्या करें? सर देखिए, इट्स अ वेरी नाइस फैब्रिक एंड आई होप यू लाइक इट सर। सर रियली इट लुक्स गुड ऑन यू। या एक्सक्यूज मी सर,
सर मैं एक मिनट में। ऐसी स्थिति में आप पहले एक स्माइल देकर उन्हें ये एहसास दिला दें कि आपने उन्हें देख लिया है और उनसे जल्दी ही बात करेंगे। I hope you like it. Excuse me, I'll just join you. Yeah? हाँ सर, बोलिए। ये हाँ सर, ये काफी अच्छा है। या थैंक यू सर। यस मैम, आपको कुछ पसंद आया? मैम, आई विल जस्ट शो यू द लेटेस्ट वन। इट्स अ वेरी नाइस थिंग, इट्स अ हैपनिंग थिंग मैम। यस सर, बोलिए। नहीं सर, सर ये देखिए, ये देखिए सर, मुझे लगता है काफी सूट करेगा आपको, देखिए। थैंक यू सर। यस मैम। यह याद रहे कि आपको तिरुपति की नाई की तरह बिल्कुल नहीं सोचना है। नहीं समझे? जब आप तिरुपति जाते हैं बाल कटवाने के लिए, तो नाई आपको आधा गंजा कर छोड़ देता है। नया कस्टमर आता है और आप पर से उसका ध्यान हट जाता है, क्योंकि उसे पता है कि आधा सर मुंडवा कर आप कहीं जाने वाले हैं नहीं। ऐसा सोचिएगा भी नहीं। नए कस्टमर के आते ही पुराने कस्टमर को यह बिल्कुल ना लगे कि आप उसे निग्लेक्ट कर रहे हैं। एज अ गुड सेल्स पर्सन, कई बार आपको दो या उससे भी ज्यादा कस्टमर्स को एक साथ डील करना आना चाहिए। कम, लेट्स रीकैप। आइए देखें कि अब तक हमने क्या सीखा। स्टेप वन, द अप्रोच एंड ग्रीटिंग। गुड पर्सनल अपीयरेंस, खुश मिजाज, फ्रेंडली एटीट्यूड, कस्टमर्स को प्रॉपरली अप्रोच करना, सही अभिवादन, कस्टमर को परखना, गिविंग कस्टमर स्पेस, अपने आप को उन पर थोपिए ना। वेलकम बैक। आप सब तो पहले स्टेप से पूरी तरह से वाकिफ हो चुके हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड। स्टेप टू, द क्वालिफिकेशन, जानकारी। इस क्वालिफिकेशन का मतलब है जानकारी, क्वालिफाइड विद नॉलेज, कस्टमर के जरूरत की, आखिर वो चाहते क्या हैं? पर ये पता करने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। प्रोबिंग या पता करना, कस्टमर्स किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, उनकी फिलहाल की जरूरत क्या है। हालांकि कई बार तो कस्टमर खुद ही बता देंगे। मैं हेल्प यू सर? नो थैंक्स, एक्चुअली कुछ शॉर्ट्स देख रहा हूं मेरे लिए। ओके सर। पर हर कस्टमर ऐसे नहीं होते। कभी कभी बात उगलवाना पड़ता है। मैं हेल्प यू सर? एक्चुअली आई एम जस्ट